वेलकम टू टॉमी ट्रेट। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी, ये है फास्ट फैट बर्निंग सूप। इसके सभी इंग्रेडिएंट्स फैट बर्न करने में हेल्प करते हैं, तो आप जितना ज़्यादा इंटेक करते हो उतना ही जल्दी आपका फैट बर्न होता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये सूप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से ये बन जाता है। अब आइए एक एक करके इंग्रेडिएंट्स को इस डिश में डालते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ पत्ता गोभी, ये हैंडफुल ऑफ पत्ता गोभी है जो मैंने बारीक काट के रखी है। ये है सैलरी, सैलरी अगर आपके आसपास नहीं मिलती है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन सैलरी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आपके फैट को बर्न करता है। ये देखिए इस तरह स्टिक में आता है, अगर आपके आसपास मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसके बाद ये है स्प्रिंग अनियन जो कि हरा ताज़ा प्याज होता है, जिसका सफ़ेद वाला हिस्सा मैंने बारीक काट के रखा है। तो ये नियरली 3 से 4 होंगे। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो सिंपल घर में अवेलेबल होता है, ये है टमाटर। ये एक टमाटर है जो मैंने बारीक काट के रखा है। ये है हरा कैप्सिकम बेल पेपर, ये आपके सूप को बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। सो आप ध्यान रखिए कि ये आपके 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे पानी, पानी आपको उतना ही डालना है जिससे ये वेजीज पूरे डिप हो जाए। मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाला है ताकि हमारा सूप बहुत ही जल्दी से बन जाए। यहाँ पर मैंने बर्नर ऑन कर दिया है और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हमारा सूप बॉईल हो जाए। तब तक आइए नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। आप वैसे तो सूप को क्लियर भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको सूप को थिकनेस देनी है तो आपने देखा होगा कि लोग कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करके यहाँ ओट्स यूज़ करने वाली हूँ। ये 1 टेबलस्पून जितना क्विक ओट्स है। तो अब हम इसे स्लो फ्लेम पे इसे भून लेंगे। आज मैं ये ओट्स का पाउडर सिर्फ इसी सूप के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हो ताकि आप अपने कटलेट और सूप्स के लिए रेगुलरली यूज़ कर पाएँ। ये सुपर हेल्दी ये ना ऑप्शन है कि आप कॉर्नफ्लावर को अवॉइड करके आप ओट्स का पाउडर डालें। ओट्स को भून के हमने ठंडा कर दिया है, तो आइए अब हम इसे मिक्सचर जार में डाल के पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो 1-2 महीने के लिए, ताकि ये पाउडर फॉर्म में रेडी हो और आपको यूज़ करना आसान लगे। ये देखिए पाउडर हमारा रेडी है। तो अब हम धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थिक स्लरी बनाएंगे। पानी को मिक्स करते हुए ऐसे हम स्लरी बना लेंगे। अब हम इसके बाद डालेंगे हॉट सॉस ताकि हमारा सूप थोड़ा टेस्टी बने। तो ये है नियरली 1/2 टीस्पून जितना हॉट सॉस। इसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हो, तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल दें। नमक के बाद हम डाल देंगे फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। अगर आपको चाहिए तो आप ब्लैक पेपर को सूप बनाने के बाद भी डाल सकते हो। मैं सभी चीज़ें इसी के साथ मिक्स कर दूंगी और फिर हम आइए इस स्लरी को मिक्स करते हैं सूप के साथ। ये देखिए सूप हमारा बॉईल हो चुका है, तो अब हम स्लरी डाल के मिक्स कर देंगे। स्लरी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा सूप थिक हो जाए। ये देखिए 2 मिनट हो चुकी है, तो अब हम खोल के चेक करते हैं। ये देखिए सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नींबू का रस, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको अपना सूप क्लियर बनाना है तो आप ओट्स का पाउडर भी स्किप कर सकते हो। आइए तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने इसे इस तरह के बोल में डाला है और फिर ऊपर से डालेंगे फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर से, और उसके बाद हम गार्निश करेंगे इसे स्प्रिंग अनियन के हरे वाले बारीक कटे हुए पीसेस से। ये देखिए हमने इसे
गार्निश कर दिया है और अब हमारा ये सूप बिल्कुल रेडी है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी पर बना के 2 से 3 बार दिन में अगर पीते हैं तो आपका फैट बहुत अच्छा बर्न होता है। आप इस सूप को मिक्सर जार में पीस के इसे प्यूरी फॉर्म में भी बना सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से हम सब्जियाँ रखेंगे तो आपको बहुत टबी फीलिंग लगेगा, बहुत अच्छे से पेट भर जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Thank you.